अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई हुई हूँ दूध दही वाली शॉप पे, और यहाँ पे देखें ये बर्फ़ को काट रहे थे और फिर इसको छील रहे थे। तो आज आना है जी खैर से सना ने और बच्चों ने माशाल्लाह से, और आज मैं 2 किलो दूध लेके जाऊंगी क्योंकि फिर रोज रोज जो है आना ना पड़े। तो ये देखें दूध इस तरह से इन्होंने बड़ा डाला होता है, ये देखें ये जमाते हैं, देखो माशाल्लाह। तो बड़ा जबरदस्त दही होता है इनका, मलाई वाला, क्रीम वाला, और दूसरा दूध के ऊपर भी बड़ी क्रीम आती है। और यहाँ पे जी हमने ये मेरी फ्रेंड का घर है जी, इधर वो देखेगी तो खुश हो जाएगी। बड़ा पुराना है, देखो ये बड़ा पुराना दरख्त है और बड़ा ही फैला हुआ भी। और बस घर आके नाश्ता वगैरह अबू जी को देने के बाद, ये कपड़े थे कुछ मेरे और अलीना के हैं, ये देखें ये वाला 2 पीस है। ये मेरे पास 2 अभी अवेलेबल हैं, जो येलो वाले हैं ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये मेरी अपनी एक चिकनकारी की शर्ट थी, तो ये मैंने फैसलाबाद टेलर को भिजवाने आज। और एक ये है मेरा 2 पीस, इसके अंदर ये देखें रोमा जो है ना वो इस तरह से लेसिस रख के लेके तो रख गई हुई है। और ये कस्टमर का सूट है मारिया बी का, और ये मेरे अपने हैं निशात के। तो ये सारे जी आज मैं शाम को जाऊँगी पोस्ट करने। तो यहाँ पर जी पौधों को धूप पानी, धूप निकल गई है तो शाम के टाइम जो है ना इनको यहाँ सुबह सुबह के टाइम पानी डाल दें तो ये ठीक रहते हैं। धूप में कभी पानी नहीं देना चाहिए, ये जल जाते हैं। चलो जी इसके अंदर से भी ना छोटे छोटे से पौधे निकल रहे हैं, ये देखो। चलो जी दे दिया है इनको पानी, तो अभी ये फलते फूलते रहेंगे, इनका भी यही रिजक है। तो देखें जी काम शाम हो गया हुआ है, लड़कियां चली गई हुई हैं अपने अपने किस्से का काम करके। तो ये देखें ये अब मैंने अपना सूट जो है श्रिंक करके रखा है, लाइबा का भी मैंने इस तरह का सिलवाना है। और बस ये 8B जो है ना मेरे पास ओनली 1 लेफ्ट है, और ये वाला सूट ये भी मेरे पास एक रह गया है। ये देखें ये इस तरह से इसका घेरा बनेगा, ये इसका लेफ्ट पैनल, ये मिडल वाला, और ये जो है इसका राइट वाला। हाँ जी कर दी अबू जी। तो ये देखें ये इसके बाजू हैं, इसमें ना उसने अलीना का मैंने बनवाया था ग्रीन, तो मुझे ये वाला कलर बड़ा पसंद है। तो अबू जी कहने ने रंग बड़ा सोना है। तो ये देखें इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बड़ी ज़बरदस्त। ये इसकी बैक है और ये है जी शलवार। तो ये था जी ज़ारा शाहजहाँ का सूट, और एक मेरा सूट है अबू जी ने बड़ा पसंद आया। ठहरो मैं चुक दी हूँ। अबू जी कहते हैं बड़ा सोना सूट है पुत्र, ये देखें ये वाला बड़ा ही प्यारा है। और इसका ये है इसकी बैक और ये है इसके बाजू, ये वाला जो मोतिया रंग नहीं होता वाला रंग जो बड़ा सोना। और ये मेरे पास एक रह गया, बस एक अवेलेबल है, एक मैं अपना सिलने के लिए सूट अंदर। अबू जी रोज़ देखते हैं जो कपड़े मैं श्रिंक करती हूँ ना, फिर वो देखते हैं कहते हैं बड़ा शानदार सूट है पुत्र। ये देखें जी यहाँ पर मैंने मंगवाई है एसन से टमाटर, धनिया, प्याज, खीरा, पुदीना। आज सना ने आना है तो आज मैं बनाऊंगी चिकन की बिरयानी, क्योंकि उसके बच्चे जो है ना मटन नहीं खाते, खुश होके खाते हैं पर बहुत कम, तो वो चिकन ज़्यादा खुश होके खाते हैं। तो मैं बनाऊंगी चिकन की बिरयानी, चिकन की बिरयानी जो कि है बाकी सब डिशेज़ की नानी। यहाँ पे जी ये देखें यहाँ पे मैं धो रही हूँ मुर्गी, धो के ये रख रही हूँ। और यहाँ से एसन से मैंने मंगवाई हैं ये मिंट, ये मैं रखूंगी फ्रिज में, मैं कहा चलो बच्चे आएंगे तो पी लेंगे। और यहाँ पे जी हमने निकाली कढ़ाई, तो देखें बस से रिक्शा जा रहा है, आवाज़ कैसे आती है इनकी। तो कढ़ाई निकाली और कढ़ाई में मैंने 4 प्याज थे उनको मैंने इस तरह गोल्डन किया, पानी का छिट्टा दिया। ये 2 किलो मुर्गी थी जिसको मैंने धो के साफ करके रखा हुआ था, और बीच में ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली ये हमने डाली। और इसके साथ चिकन को अच्छी तरह से भुनेंगे, चिकन की भुनाई जो है वो अच्छी तरह से की हो तो चिकन में से भी स्मेल नहीं आती। काफ़ी मैसेज आते हैं जी मटर में से स्मेल आती है, चिकन में से आती, पर साढ़े दे चिकन विचू नहीं जी आती। और यहाँ पे 6 टमाटर थे जिनको इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया था, और ये टमाटर डाल के चिकन को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। टमाटरों के अपने पानी में ही ये गलेगा, इसमें हमने और पानी नहीं डालना। चिकन में मैं पानी बिल्कुल नहीं ऐड करती जब मैं बिरयानी के लिए मसाला बनाती हूँ। और यहाँ पे नेशनल वालों का जो था बिरयानी मसाला 1 पैकेट वो मैंने ऐड कर दिया।
और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक प्याली जो थी वो योगर्ट की ऐड कर दी। और आग जो है उसको तेज़ रखना है, और ये जो है चिकन हमारा ये टमाटरों में और दही में इसी में बनेगा, इसमें कोई पानी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसको बस आप हल्की आग पे रख दें। तो मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, सहन में तो बाहर से मोटरसाइकिलों की आवाज़ें आ रही हैं। तो बस जी सना भी अभी आने वाली है, तो मैं बस जा रही हूँ, ज़रा काम है बाज़ार के, कुछ कपड़े हैं टेलर को पोस्ट करवाने हैं, कुछ कस्टमर के कपड़े पोस्ट करवाने हैं। तो बस बिरयानी का मसाला जो था वो तैयार हो चुका है, और मैं बाज़ार के काम करके आऊँ, फिर मैं आके आसिया को बुलाऊँगी, वो हेल्प करवाएगी, चटनी बना लेगी, सलाद बना लेगी, और फिर मैं बिरयानी को जो दम शम लगाना है तो सना भी आएगी मेरे ख्याल में 5-6 बजे। तो रहेंगे बच्चे और सना रहेंगे, ज़रा चंगा आ जाएगा थोड़ा घर च रौनक लग जाएगी। और बस गर्मी भी इतनी है, फिर वो भी बेचारी नहीं ना निकलती, साथ जो अनीस मेरी उसने अकेडमी जाना होता है, माशाल्लाह से आया हुआ है सना का बेटा, यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, तो वो बड़ा खुश होता है मेरे साथ माशाल्लाह से। तो मैं कहा चलो 2-3 दिन ज़रा पूछते घर रौनक लगेगी, ज़रा खाएँ पियेंगे, बाहरों गंद पलाम गंद पला मंगा मंगा के, जो कि मैं अकेली नहीं खा सकती, साथ कोई हो ना फिर आप खा सकते, फिर आपको ये नहीं ना होता कि हाँ हम ये क्या खा रहे हैं, तुसी नाल दे तो ये तो कोई नहीं, जब मैं खा रही हूँ यहाँ भी तो मेरे नाल खा रहे हैं बैग तो चलें जी देखें फिर इंशाल्लाह आएंगे तो दिखाएंगे। और मैं जी जाने लगी थी बाज़ार, कुछ कस्टमर्स के कपड़े हैं वो TCS करवाने हैं, तो यहाँ पे अब्बू जी अपने एक ड्रॉप की ढूंढ रहे थे, और ये बस इन्होंने अपनी ही कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो फिर मैंने अब्बू जी को चाबी ढूंढ के दी और मैं निकलूँ अब बाज़ार के लिए। चलो भाई चले, अब मैंने बैठना कहाँ है सारे, तो तुमने आगे बैग रख दिया सी, मेरी जगह पे बना दे जी। ये कस्टमर्स के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, जा रही हूँ लेके कुछ पोस्ट करने हैं, कहते हैं है कड़े अच्छा हाँ सच एक सूट रह गया, चलो सही है चलो भाई हाँ हाँ ये इसकी जगह नहीं थी, इसको ऐसे हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, आ जाओ भाई चलिए। और यहाँ पे जी सारा इन्होंने पार्सल का वेट वगैरह किया कितना है, तो बस टाइम मेरे पास कम था, 4 बजे हम लोग निकले और मैंने घर जाना है, मैं बिरयानी का मसाला बना के आ गई थी, और सना ने भी पहुँच जाना है तकरीबन 6:30 बजे तक वो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो मैंने अभी फ्रूट लेना है, अभी मैंने खीर का सामान लेना है और फिर हमने घर जाना है। तो ये कपड़े सारे जो थे ना मुझे लगा कि एक बॉक्स में नहीं आएंगे, पर मैं कहती हूँ कि उन्होंने तो रोज़ का काम है ना, उन्होंने तो पता है, तो उन्होंने कहा नहीं बाजी आप फिक्र ना करें ये सारे जो है ना एक बॉक्स में ही आएंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ कस्टमर के हैं, तो आपने कपड़ों की इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें hinas.g पे। तो 8B जो है मारिया बी का एम्प्रिंट वो अभी मेरे पास थोड़ा रीस्टॉक होके आया है, अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करें। आसिया को जी मैंने रास्ते में से पकड़ा है, ये आ रही थी घर में, क्या चल आ जा नाल ही आ जा चलो आसिया अब आ गई आ जाओ, इधर से बैठो मैं इधर से बैठती हूँ। और यहाँ जी हम फिर यूटिलिटी स्टोर पे आए, यहाँ से मैंने ऑल पर्स दूध के 4 ये वाले उठा लिए, और साथ में 2 जो थी वो हमने क्रीम के उठाए, और 2 जो हैं लजीज़ा खीर मिक्स। तो मैं देखूँगी अगर तो खीर आज बन गई तो आज बनाऊँगी, वरना कल, क्योंकि टाइम अब कम है, बस ट्रैफिक भी सी और शाम के टाइम आपको पता है कि फिर जो है ना हर जगह पर रश होता है। और बस यहाँ से फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, तो अब हम जा रहे हैं जी घर। तो हम जी आ गए हैं बाज़ार से घर, अब हम जाने लगे हैं किचन में, किचन में चावल भिगोएंगे और पतीला निकालेंगे, पानी रखेंगे, बिरयानी को लगाऊं दम, और आसिया बनाएगी चटनी और सलाद, तो टाइम जो बड़ा कम तो लग जाए हिना जी आप भी काम पे, अब चले चले चलते हैं किचन। हरी मिर्चें कटिंग करके तो मैं डालूँगी, ये देखिए जी यहाँ पे बिरयानी को लग रहा है दम, तो ये गेज ऊपर प्याज, कच्चा प्याज मजे का। तो ये जी डाल दिया हमने इसके अंदर लेमन के स्लाइस करके, प्याज और ग्रीन चिली जो है सब्ज मिर्चे। और जिस दिन से पाकिस्तान आई हूँ आज बिरयानी पकाने लगी हूँ, और आज मैंने खानी है, आप देखें कि मैंने बिरयानी नहीं खाई कितने दिन हो गए हैं। तो मसाला जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना था, और बस बिरयानी बनाऊंगी साथ में। मैं जब बाज़ार गई थी तो मैं भल्ले ले आई थी, हमारे शहर के मशहूर भल्ले हैं, सना के बच्चों को माशाल्लाह बड़े पसंद हैं, तो वो देखें अभी पड़ी हुई हैं उधर, खीर का सामान तो खीर तो नीचे बनेगी बस, वो भी आने वाले ने। और गर्मी में आप देखें हालत क्या होती है किचन में। तो जो मेरा नेक फैन है
वह भी बेचारा जोड़ा ना चार्जिंग ते लगा सी। भाई गर्मियों में एप्रिशिएट किया करें, गर्मियों में बीवियों की तनख्वाहें बढ़ा दें। तेरा हाथ तक जान पे कैमरे में? नहीं बिल्कुल राइट है जी। सारा मसाला मंगा भी अब बच्चे भी खाएंगे बिरयानी तो वाह वाह करेंगे। ये ना चुले भी आगे नहीं तेज है मसा बच्चे और मसाला सड़ जाना सी। तो चार लिया जी हमने। अच्छा इधर प्याज थे थे। आई अप्पू जी आ गई हैं। ओके 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 आ गए हैं बाजी। और ये डाला थोड़ा मैंने ऊपर भी डाला मैं ऊपर के लिए बचा लूँ। और थोड़े ये भाजी भी आ गए। चलो अब मैं पहले उनको मिलूँ। तो सना वगैरह भी जी पहुंच गए माशाल्लाह खैर से और सही टाइम पे पहुंच गए। और बस बिरयानी को मैं दम लगा रही थी और सना यहाँ पे बना रही थी अपना व्लॉग। उत्तों आ गए अब्बू जी। अब्बू जी कहते ना तुसी हर टाइम मोबाइल क्यों सीधे किते होंगे ने ऐ अब्बू जी असी हाँ कल जो सना आई उस टाइम की वीडियो। तो मैं जी वॉइस ओवर कर रही हूँ और अब्बू जी मेरे साथ ही बैठे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। फूड कलर बिरयानी पे ये ना डाला तो फिर क्या डाला। और ये की सी पाना ते प्याज भी थोड़ा सा पा रही हूं ना ओथे रख दे ग्लास एक पास। चलो जितना बहुत है ये हो गया। थोड़े से ये प्याज भी हम डालेंगे हमें आदत है हम मजबूर हैं क्या करें बीमारी है। चलो इसके नीचे हल्की सी आग जला के ना इसको ना हम लगा देंगे थोड़ा सा पाता हूं तो प्याज आ तरह गया। चलो चलो नहीं आसिया आए अबू जी ने जाके सलाम लवो। अबू जी जाके सलाम करो दोनों। है भी आए जी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तुम दोनों सगे भाई हो के चाचे ताए दे हो? ना ना सगे जी सगे नहीं हां माशाल्लाह सोने ने सोने ही भाई के ये बड़े वाला बड़ा क्यूट है। तो ये देखें जी ये सूट सिल के आया था टेलर से। ये इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा। पर ये वाले सारे सूट जो है ना मेरे से ऑटो स्टॉक हो चुके हैं। ये इसका गले का पैच था और ये इसका घेरे का पैच और ये वाली लेस एक्स्ट्रा लगी है ये वाली भी। और इसके बाजू का मैं दिखाऊँ बाजू की भी उन्होंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है ये देखें। तो ये आप किसी सूट के ऊपर करवा सकते हैं पर ये वाला जो है ना ये अवेलेबल नहीं है। ये इलाफ का था। इसके अलावा एक और इलाफ का है वो मेरे पास अवेलेबल है और वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर वो किसी ने स्टिच करवाना है तो आप करवा सकते हैं। ये देखें ये लेस लगी हुई है प्लेट डले हुए हैं इस तरह से। ये इसकी डिज़ाइनिंग है बहुत ही खूबसूरत सूट बना हुआ है माशाल्लाह से। देखो और यहाँ पे आसिया जो है वो कर रही थी जी गीज़र बंद बंद कर दो इसको पानी ऑन सी किन्ने कितना समझ नहीं आई। और मैं भी कहूँ पानी क्यों आता है गर्म खाना जो है बस अब खाने का टाइम आ चुका है। इसको हम करेंगे मिक्स और फिर बिस्मिल्लाह डिश आउट करेंगे बिरयानी को। बिरयानी माशाल्लाह भी बहुत ही जबरदस्त बड़ी दम लगा मजे की बनी थी जबरदस्त बिरयानी बनी। सालों के बाद जो है नेशनल वालों का बिरयानी मसाला यूज किया है और बहुत ही जबरदस्त बिरयानी बनी थी। और चिकन को बिल्कुल कितने दिनों के बाद बिरयानी हाय बिरयानी तुम कहाँ थी मैं तो शुक्र करें कि अभी तक जिंदा हूँ। तो यूके आए दिन बिरयानी आए दिन बिरयानी मेरे चावल का ना मैंने उन्हें हिसाब नहीं मैं पुलाव बिरयानी का ना थोड़ा होता था सही पक गया ना माशाल्लाह। बहुत प्यारी शक्ल है माशाल्लाह भाई शक्ल प्यारी तेरा टेस्ट भी मजे का होना चाहिए ना। चलो हम ना अभी एक डिश रखते हैं आसिया। तो इधर जी लगाया है अंदर खाना हमने सब इधर खा रहे हैं। आसिया एक और डिश निकालना मैं ना चावल और निकालूं जी। गरम गरम बना दूंगी डालने पे भी ठीक है ठीक है ठीक है। चीज़ें तो ऊपर हरी मिर्च नहीं रहन दो बस इतना ही बहुत है बुन भूख लगी है। हाँ जी वड्डी अब्बू जी को चावल डाल के दो। ये देखिए कराची वाली बिरयानी बनी आज कराची बिरयानी
बड़े चम्मच से डाला बस बस अबू जी के पता नहीं दुपट्टे हैं जो सना से बनवाए हैं मैंने, जिन मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किए थे, ये देखें, ये वाले केसरिया के हैं, प्योर शिफॉन के, ये एक चौड़ी वाली लेस के साथ है। ये देखें, अभी खोल के दिखाते हैं हम आपको, खोल लें जी दुपट्टा, ज़रा दिखाएं इधर, मुलाहजा करें, ये देखें जी दुपट्टे की खूबसूरती चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से, यह देखो, ये देखें, ये है दुपट्टा, और ये है ब्रीक लेस के साथ जो मेरे वाला है। कुछ ने जो है सेम मेरे वाले दुपट्टे बनवाए हैं, कुछ को चौड़ी लेस वाले चाहिए थे, ये देखें बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे बने हैं, प्योर शिफॉन क्रिंकल के हैं, और बस ये अब जो है ना सोल्ड आउट हो चुके हैं ये वाले। अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो दूसरे वाले डिज़ाइन में आपको मिल जाएंगे। ये देखें जी खूबसूरत दुपट्टा है, और बस एसी ऑन है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है हमने, और आपको ज़्यादा जो है लाइट इस टाइम नहीं मिलेगी, पर तुसी इत्थों देख लवो कि दुपट्टा माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये देखें हैं जी, को चेक करो, जी कितने हैं, बाथरूम में गए हैं, अजान होने लगी जे, मुझे तो बेड सही करा, तो चले जी यहाँ से उठाऊंगी कुर्सी, बाकी सब अंदर हैं कमरे में। तो मुझे किसी ने कहा था जी आपकी कुर्सियाँ गंदी हैं, इनको धोए साफ़ कराइए ना, जब अली भाई ने ये खिड़कियाँ और दरवाज़े पेंट करवाए थे ना, तो ये ना उनके निशान है, ये उनके निशान है पेंट के, ये नहीं उतरते। देखें जी इसको पता नहीं क्या हो गया, ये लटक गया सारा यहाँ पर, वाईफाई का है वाला भी, जहन को नहीं लगना अबू जी, मैं भानली किया मैसेज, उन्होंने मुंडे को भेजन आके करेगा सही। तो चलें जी ये था हमारा आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, इन्ना नो हले बैठे ही रखांगी। सना कह रही है कि उसने जो है ना कल चले जाना है, पर मैं देखांगी देखती हूँ क्या करते हैं। तो चलें इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।